Assalamu alaikum. In first year zoology, today we are going to start our new chapter. So it is our lecture number one. The chapter is the biology. It is chapter number one of your book. So our topic is biology and its major field. So what is biology? Biology is the study of life. The word biology is derived from a Greek word that is bios, means life, and logo means study. ठीक है ना? आप नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे और इससे पहले भी जो है आपने साइंस में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी का मतलब है लाइफ. बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, मतलब हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं. क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं? तो नहीं. इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हम कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में, कुछ ऐसी और नॉन लिविंग थिंग चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है. तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो लाइफ से इंटरेक्ट है, जो लाइफ के ऊपर उनके क्या इफेक्ट्स है, तो हम वो चीज़ें भी इसमें स्टडी करते हैं. मींस नॉन लिविंग थिंग, वो तमाम नॉन लिविंग थिंग जो लाइफ से जो है इनका कोई कनेक्शन होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई कनेक्शन होता है, तो उसको भी हम बायो में ही स्टडी करते हैं. सो इन जनरल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना? बायोलॉजिस्ट वो शख्स जो कि लाइफ के बारे में स्टडी करता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है, उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं. तो बायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका फंक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसे होती है, ओरिजिन क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुई, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, मीन्स उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई. तो ये सब कौन स्टडी करता है? बायोलॉजिस्ट. सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग. बायोलॉजी इज द स्टडी, बायोलॉजी में हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं. दैट इज और वॉज वॉन्स अलाइव, जो एक दफ़ा मतलब या पहले कभी जिंदा थी या जो है जिंदा है, तो अलाइव है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. और वो चीज़ें जो कि लाइफ से इंटरेक्ट हो, लाइफ के ऊपर उनका कोई लाइफ से कोई कनेक्शन हो, उन चीज़ों को भी हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो चीज़ जो कि लाइफ, वेदर इट इज़ प्लांट, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उन तमाम चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है ना? सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन. स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब क्लासिफिकेशन हुई तो तमाम ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाई किया गया. ठीक है ना? कौन कौन से किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे? ठीक है, एक था प्लांट किंगडम, द अदर वन इज़ एनिमल किंगडम. ठीक है ना? फिर इन प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी. बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट. वो सब्जेक्ट्स में हम बॉटनी के बारे में पढ़ते, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं. और जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं. ठीक है? मीन्स तो स्टार्टिंग में दो किंगडम क्लासिफिकेशन हुई. और इन एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया? इनको ऐसे डिवाइड किया गया कि जो लिविंग थिंग जो है, जिनके पास क्लोरोफिल था, अपना फूड खुद जो है मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उनको प्लांट किंगडम में डाला. और जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, मीन्स वाटर क्रॉप्स नहीं थे, तो उनको जो है एनिमल किंगडम में डाला. अच्छा, फिर क्या हुआ? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दो किंगडम स्टार्टिंग में थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये डिस्कार्ड हुआ. ये क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इसमें ऑर्गेनिज़म्स आए इसमें कि जो प्लांट्स में ना, प्लांट्स में जो है प्लांट्स से बिल्कुल अलग थे और एनिमल्स से भी अलग थे. कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आए इसमें तो इसको जो है, और इसके अलावा जो है कुछ जो जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों वो भी इसी में सेम आ गए. तो इसलिए जो है दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है डिस्कार्ड किया गया. फिर जो है एक नई क्लासिफिकेशन आई जिसको कहा गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो है आर एच वॉटेकर 1969 में जो है इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है प्रपोज किया. और किस बेस पे किया इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे इनको क्लासीफाई किस बेस पे किया? क्योंकि हम हमेशा से कहते हुए आते हैं जब भी क्लासिफिकेशन होती है किसी बेसिस पे होती है, किसी एक मेन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होती है, तो सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैसा, और इसके अलावा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज है, उसके बाद उनके रिप्रोडक्शन पे कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है इनमें, इन तमाम चीज़ों को उनके फंक्शन के ऊपर, तमाम चीज़ों के बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन की, जिसको हम कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अब तक चलती हुई आ रही है. ठीक है ना? अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी है? तो नंबर वन इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटिया एनिमिलिया। अच्छा, मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर जिनमें वन सेल है ओनली, एंड प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें टू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जो थे उसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अच्छा ये सबसे बाद में बना, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोट्स मीन इनके पास टू न्यूक्लियस भी है। अच्छा, फिर जो वो ऑर्गेनिज्म जो इन तीनों में फिट नहीं हो पा रहा था उसको कहाँ, उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, ठीक है ना। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट जो इन तीनों में फिट नहीं हो रहा था तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अच्छा, इनका जो न्यू नेम है प्रोटिस्टा का, ये ओल्ड नेम है, अब इसका न्यू नेम जो है क्या है, प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है ना। और इसी तरह जो है जो किंगडम मोनेरा है इसका भी न्यू नेम, इसको जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स इनको कहा जाता है, ठीक है ना। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, नंबर वन इज किंगडम प्रोकैरियोट्स, जिसको मोनेरा, इसका ओल्ड नेम था मोनेरा, फिर चेंज किया गया क्योंकि इसमें सारे जो है प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इट इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्यू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता या फिर सेल मेम्ब्रेन्स जो है नहीं होती। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि अगर हम ये एग्जाम्पल करें, ये एक सेल है, ठीक है ना ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो ये क्या है, ये जो है यूकैरियोट्स है, ठीक है ना। ये जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है न्यूक्लियस जो है ना मेम्ब्रेन होती है, टू न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनका जैसे ये सेल है, सेल के अंदर जो है ये डीएनए इनका है, डीएनए के ऊपर कोई भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये जो है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये फर्क होता है। ये जो है प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस है, सेल है, और ये जो है क्या है, यूकैरियोट्स का जो है वो है सेल है, ठीक है ना। तो मीन्स इसमें मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें जो है दूसरी ऑर्गेनल्स वगैरह जो है वो इसमें होती हैं और प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होती है। तो वो जो है आगे डिटेल में जो हम किसी और चैप्टर में स्टडी करेंगे, फिलहाल जो है आपको नहीं पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स जो है क्यों न्यूक्लियस नहीं होता, और मीन्स इनके ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन वगैरह उसमें नहीं होती। इसमें एग्जांपल सारे बैक्टीरिया और सारे जो है साइनोबैक्टीरिया जो है किंगडम प्रोकैरियोट्स में जो है आते हैं, ठीक है ना। ओके, देन जो हमारा सेकेंड वन जो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, इसका प्रीवियस नेम प्रोटिस्टा था, अभी जो अब नया नाम है वो क्या है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है ना। इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें तमाम कौन से ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जो मतलब वन सेल जो जिनमें वन सेल सिंगल सेल होता है, एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या है, अच्छा ये फर्स्ट वन जो है सारे प्रोकैरियोट्स है, इसके अलावा जितने भी मतलब चारों जो किंगडम है उनमें जो है यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, सब में सेम जो है चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, कौन से ऑर्गेनिज्म है विच जो है जिनको वो एनिमल्स जो कि या वो ऑर्गेनिज्म जो कि नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल प्लांट्स एंड फंजाई, जिनको जो ना एनिमल्स में क्लासिफाइड किया गया ना प्लांट्स में ना फंजाई में, ठीक है ना। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले, तो ये वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि इन तीनों जो किंगडम में जो फिट नहीं हो रहा था उनको यहाँ ला के यहाँ ला दिया गया। अच्छा, ये जो जो ऑर्गेनिज्म थे पहले इनको एनिमल में ही कंसिडर किया था, किंगडम एनिमिलिया में डाला गया था, लेकिन बाद में पता चला जब जिस डिस्कवरी हुई, जब डिस्कवर किया गया कि ये कहा गया कि ये यूनिसेलुलर है और जो एनिमिलिया है इसमें, किंगडम एनिमिलिया में बाकी जो वो है एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था उनको अब किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया, जो यूनिसेलुलर है लेकिन कुछ जो है प्लांट एनिमल्स लाइक प्लांट लाइक है तो उनको जो है किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि कुछ उनके फंक्शन ऐसे थे, कुछ उनके स्ट्रक्चर ऐसे था, ऐसे फंक्शन थे जो कि एनिमल और प्लांट से और फंजाई से असेंबल नहीं करते थे, तो इसलिए इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। मींस ये एक जो है जंग ड्रॉ की तरह है, मतलब जो कहीं और फिट नहीं हो रहा तो उसको यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एग्जांपल क्या है, यूबीना, जैसे कि हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, पैरामीशियम, क्लाइमेटोमनास और प्लास्मोडियम, ठीक है ना। ये क्या है, ये सारे जो है और इसके अलावा जो है मल्टी सेलुलर एल्गाई एंड पैरामीटिक फंजाई है ऑल्सो बीन इंक्लूड इन दिस किंगडम, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ इनमें जो है प्लांट लाइक है, कुछ इनमें जो है
एनिमल लाइक हैं, कुछ फंजाए फंजाए लाइक हैं ठीक है ना, तो लेकिन ये कुछ चीज़ें जो इनकी इनसे अलग है तो इनको यहाँ डाल दिया गया। जैसे कि इसमें जो है ये पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है और प्लास्मोडियम है ठीक है ना, ये पैरासाइटिक भी है ठीक है ना, ये क्या है, ये जो है एनिमल लाइक प्रोटोजोआ में आते हैं ठीक है ना। ओके, देन जो है हमारे पास थर्ड किंगडम जो है हमारे पास किंगडम है फंजाए। फंजाए इट इंक्लूड ऑल क्लोरोफेलस नॉन क्लोरोफेरस, मीन इसमें तमाम वो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जिसमें इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, फंजाई भी प्लांट की तरह ही होते हैं ठीक है ना, लेकिन ये जो है मतलब वाटर में होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो लैंड पे ज़्यादातर होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो नॉन क्लोरोफिलस, मीन इनके पास क्लोरोफिल नहीं था ठीक है ना। मल्टी सेलुलर है, अब ये भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर, बाकी जो तीन किंगडम है तीनों जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। इसमें एक सेप यीस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, बाकी सब जो है मल्टी सेलुलर है, मीन्स मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनमें क्या होती है, इनकी सेल वॉल इनमें होती है, मीन इनका जो सेल है उसकी उसके ऊपर जो ना मेम्ब्रेन होती है, वॉल्स बोलते हैं सेल वॉल है, और किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है इसकी सेल वॉल, काइटिन से बनी होती है। काइटिन क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइटिन। ओके, देन इसके बाद क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोटॉप्स है। हेटरोटॉप्स से क्या होता है, मींस दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, ये अपना फूड जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो ये किसी और पे डिपेंड करते हैं, अपना फूड कंज्यूम करने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब ये क्या है एब्जॉर्प्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव भी होते हैं यहाँ पे अगर आप एनिमल को देखें, एनिमल किंगडम एनिमिलिया में देखें। अच्छा, ये भी यूकेरियोट्स हैं, ये भी यूकेरियोट्स हैं, या ये भी नॉन क्लोरोफिलस, मीन यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ भी जो है फंजाई भी क्लोरोफिल नहीं है। दीज आर मल्टी सेलुलर, दीज आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट कहाँ है, कैसे जो है अलग किया गया कि ये जो है इंगस्टिव हेटरोटॉप्स हैं, ये क्या है एब्जॉर्प्टिव हेटरोटॉप, हेटरोटॉप्स ये भी हैं और ये भी है। हेटरोटॉप्स मीन्स दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, किसी और पर डिपेंड करते हैं अपना फूड अपने न्यूट्रंस कंज्यूम करने के लिए, अपने न्यूट्रंस लेने के लिए ठीक है ना, तो किसी और पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये फंजाए में क्या है, ये फंजाए जो है एब्जॉर्प्टिव है, और इन जो एनिमिलिया जो है क्या है इंगेस्टिव है। तो कैसे क्या उस पर डिफरेंस क्या है, मीन्स ये क्या करते हैं कि जो एनिमिलिया है उसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पहले फूड को लेते हैं माउथ के अंदर के इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद जो है उसमें पूरा सिस्टम होता है, मतलब उसको एंजाइम के जरिए कुछ और केमिकल्स के लिए मैकेनिकल इसमें रिएक्शन होती है, तो उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब उसके बाद करते हैं। लेकिन फंजाई जो है क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर ही पहले फूड को जो है ब्रेक डाउन करेगा, स्मॉल पीस में इसको ब्रेक डाउन करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स इसके ऊपर गिराएगा कि ये फूड जो है स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन हो जाए, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसके बाद जो है इस एब्जॉर्प्टिव फूड को जो है अपने जो है बॉडी में लेगा ठीक है ना। तो मीन्स इसलिए इसको कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्टिव, मतलब पहले ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बाद जो है माउथ में ले रहा है, मतलब अपने बॉडी में ले रहा है, तो माउथ नहीं बोलेंगे, बॉडी में ले रहा है। लेकिन एनिमिलिया क्या करते हैं कि पहले फूड को जो है पूरा बॉडी में लेगा, एंटर करेगा, इनगल्फ करेगा, उसके बाद बॉडी के अंदर क्या होगा, इस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है ब्रेक डाउन करके उसको जो है डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये डिफरेंट है इसमें एब्जॉर्प्टिव हेटरोटॉप्स में और इनगेस्टिव हेटरोटॉप्स में ठीक है ना। ओके, तो अच्छा, और क्या है इसमें कि एंड हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स, और इसमें कहते हैं कि नॉन मोटाइल मतलब मोटाइल मींस जो मूव ना करता हो, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं ठीक है ना। इसमें एग्जांपल दिए है एग्रिकस मशरूम्स यीस्ट ठीक है ना, एग्जांपल है ठीक है ना। और ये क्या है, जैसे कि हमने पहले कहा कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोटॉप्स है, मींस ये पहले फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे अपनी बॉडी से बाहर, फिर उसके बाद उसको बॉडी में लेंगे, उसके बाद ही जो है उसको पहले एब्जॉर्ब पहले होगा ठीक है ना। देन हमारे पास फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्लांटिया किंगडम एनिमिलिया सबसे बड़े जो है मतलब जो एडवांस जो है इन तीनों उनसे एडवांस किंगडम है ठीक है ना। इसमें सारे यूकेरियोट्स आ रहे हैं, यूकेरियोट मीन्स इनकी न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होता है, और जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन होते हैं मेम्ब्रेन्स होते हैं। देन जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, दीज आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। ओके, देन क्या है इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है मींस तो ये अपना फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद करते हैं, किससे
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए भी सनलाइट और जो है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए जो है अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मीन्स ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना खुद फूड बनाएंगे, खुद ही उसको यूज़ करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड हैविंग सेल वॉल। अच्छा, इनके पास भी सेल वॉल है और यहाँ भी सेल वॉल थी, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें में सेम आ गई है, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई थी, काइटन से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट जो है फंजाई और प्लांटिया में ये डिफरेंट आ गया। ओके, देन जो है इनका जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी में देखी गई है, लेकिन एग्जाम्पल्स ही क्या है, मॉस है, फर्न है, पाइन है और एप्पल, मीन्स ये सारे जो है प्लांट की एग्जाम्पल तो बहुत सारी आपको पता होंगी क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, देन हमारे पास सबसे एडवांस जो है क्या है, किंगडम एनिमिलिया में हम ह्यूमन बींग भी आते हैं, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर यूकेरियोट्स, नॉन क्लोरोफिल, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, इंगस्टिव मेथड है, और ये मीन्स ये इंगस्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, मैंने ये फूड को पहले इंगल्फ करेंगे, उसके बाद बॉडी में जाके इनकी डाइजेशन होगी, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में जाके होगी। ओके, सेल वॉल जो है इनमें सॉरी यहाँ पे ना सेल वॉल आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नो सेल वॉल, यहाँ पे क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होती इनमें। ओके, देन जो है एग्जाम्पल इसमें है हाइड्रा, अर्थवॉर्म, ह्यूमन बींग, क्योंकि मतलब ये जो है सबसे मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म की से लेकर जो है ह्यूमन बींग जो है सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो अब तक जो चलती आ रही है, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो डिस्कार्ड हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सबको क्या साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और नेम किया, कितना, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज स्पीशीज, स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज जो होती है सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो है सेम ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड जो है स्पीशीज, ठीक है ना। तो तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है डिस्कवर हो चुकी है लिविंग थिंग्स की, जो कि ग्रेट वैरायटी में जो है एग्जिस्ट करती है, मींस कुछ जो है डिफरेंट फॉर्म में होती है, कुछ डिफरेंट शेप है, जिसके सब कुछ डिफरेंट साइज है, ठीक है ना। तो क्या है एग्जाम्पल जिसने दी गई, जैसे कुछ होती है माइक्रोस्कोपिक, मतलब इतनी स्मॉल होती है कि वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आइज, तो हम उनको माइक्रोस्कोप के जरिए यूज करते हैं, और उनका साइज तकरीबन क्या है, उनका साइज है 0.0001 mm, मीन्स ठीक है ना, इतना स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म इतनी स्मॉल है, और उसके अलावा जो है फिर कुछ ऑर्गेनिज्म इतनी जो है उतनी ही मतलब जो है बड़ी, जैसे वेल की बात हो रही है कि 40 मीटर जो है लेंथ होती है इसकी, और वेट जो है सर कितना है, तकरीबन 150 टन इसका वेट है, ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी आया है कुछ, और इतने जो है जो लार्ज ऑर्गेनिज्म वो भी है, ठीक है ना। देन रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री क्या है, इसकी सबसे जो हाईएस्ट ट्री है, ठीक है ना, क्या है, ओवर 300 फीट इन हाइट, इसकी हाइट कितनी है, तकरीबन 300 फीट जो है इसकी हाइट है। तो आप ये सब देखते हैं कितनी वेरिएशन है, कितनी इनकी शेप में, इनके फॉर्म में, उनके साइज में कितनी वेरिएशन है, मीन्स कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब साइज भी डिफरेंट है, फॉर्म में डिफरेंट है और शेप में डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज वेल, और ये जो है रेडवुड ट्री है। सो ओके, देन जो है हम जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में पढ़ना स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए क्या अब सबके बारे में, सबका स्ट्रक्चर को देखना, सबके फंक्शन को देखना, सबके जो है अपीयरेंस को देखना, तो ये साइंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इसलिए क्या क्या कि बहुत सारे डिफरेंट जो है ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की, स्पेशलाइज बायोलॉजी की जो है बनाई गई, जिसके ज़रिए जो है सबकी अलग अलग जो है स्टडी होती है, कि मतलब हर ब्रांच जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती है, उसके बारे में उसकी सब चीज़ें, तो ये आसानी हो गई। आपने क्लास नाइन में भी जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो है स्टडी की होंगी, लेकिन आज जो है हम सेकेंड ईयर में जो है सॉरी फर्स्ट ईयर में जो है 9 ब्रांचेस जो है स्टडी करेंगे। कौन कौन सी है, सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना, इट इज़ द रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये रीसेंट ब्रांच है, ठीक है ना, दैट डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, में क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स
और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के और फंक्शन को हम स्टडी करते हैं कि उनका फंक्शन क्या है, उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन विच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, लेकिन और इसके ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, लेकिन और क्या करते हैं, टेक पार्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या उनका जो है क्या कहते हैं जो है रोल है, कैसे टेक पार्ट कैसे लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे प्रोटीन एग्जांपल दिए, प्रोटीन आपने जैसे चैप्टर एंजाइम्स जो है हमने स्टडी किया था, तो एंजाइम में क्या है कि एंजाइम जो है किससे बना था, प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन किससे बना होता है, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड है, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, जैसे कि लिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करना हम किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो सो द सेकेंड ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, तो बायोलॉजी मीन्स, ठीक है ना, लाइफ एंड स्टडी, तो मीन्स इसमें जो है हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और वो जो है हमारे नेक्ड आईज से हमें नज़र नहीं आते। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस से फंजाई है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो है कौन से होते हैं, जो कि प्रोटिस्टा में जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी, इनकी बात हो रही प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम जो है नहीं देख सकते, लेकिन जो है इनके बारे में स्टडी किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, क्या स्टडी किया जाता है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कि वो डिजीज कॉज करते हैं तो कैसे कॉज करते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा है, मतलब सब कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया करते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है ना। सो द थर्ड वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो बहुत ईजी है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंट मतलब एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, इट विल बी द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हम इसमें एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, मतलब एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिससे मैंने पहले ही बताया था कि हम बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन तमाम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या इफेक्ट होता है, क्या कनेक्शन होता है लाइफ से, ऑर्गेनिज्म से, तो इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में कैसे जो है इसमें हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है इसमें आता है कि वाटर, मतलब या फिर सनलाइट की बात कर लें हम सबसे इजी, कि सनलाइट का या टेम्परेचर जो है इसका क्या इफेक्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री में लोग रहते हैं तो वहाँ पे धूप नहीं होती, तो वहाँ के लोगों का कलर बहुत ही ज़्यादा फेयर होता है, मतलब गोरे होते हैं, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे धूप जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा होती है, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के लोगों का कलर डार्क होता है, डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब थोड़े से काले होते हैं, ज़्यादा काले होते हैं, मतलब तो मतलब ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट जो है, ये सनलाइट जो है उन पर क्या इफेक्ट कर रहा है वहाँ के लोगों के ऊपर। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आएगी एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। अच्छा, प्रीवियसली इट वॉज नोन एज इकोलॉजी, इसको पहले जो है इकोलॉजी कहा जाता था, जो है अब जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ अबाउट एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, मतलब इको सिस्टम के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। ओके, नंबर फोर इज मैरीन बायोलॉजी, ये भी जो है आपको पता होगा कि इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द सी एंड ओशन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम तमाम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जो कि सी में या ओशन में रहते हैं, मीन्स जो नमकीन पानी में रहते हैं, मतलब सी वाटर जो है, ओशन का वाटर जो क्या है, नमकीन होता है ना, उसमें नमक होता है, सैलिनिटी होती है, हाई होती है, तो उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि सी और ओशन में इनहिबिट करते हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, वहाँ के एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है उन ऑर्गेनिज्म का, उनका फंक्शन कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है ना। पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट। अच्छा, व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हो, मतलब उससे अपना फूड गेन करते हो और बदले में उसको क्या करते हो, डिजीज या तो डिजीज कॉज करते हो या कोई नुकसान देते हो, जरूरी नहीं, मतलब कुछ जो होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते लेकिन नुकसान कोई ना कोई नुकसान देते हैं। कैसा नुकसान देते हैं, जैसे मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वो उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उनसे जो न्यूट्रिशन ले रहा है
अब उसका जो फूड है वो उनसे ले रहा है, तो ये भी इतना का नुकसान ही हो गया। और कुछ जो होते हैं वो नुकसान दे देते हैं, उसके अलावा जो है उन पर डिजीज भी, उनको बीमार भी कर देते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये तो एहसान परामोश टाइप की वो है कि किसी उनसे फूड भी ले रहे हैं, उनको नुकसान भी दे रहे हैं, उनको डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, इनका लाइफ साइकिल कैसा है, कैसे जो है वो मतलब लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है। फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम है, प्लास्मोडियम डिजीज कॉज करता है, तो उसका वेंडर जो है मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट है, मीन्स वो किसी और से ब्लड सक कर रहा है, ब्लड सक जो है करके अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक ना। तो अब मॉस्किटो के बारे में उसके लाइफ साइकिल के, वो कैसे जो है उसके एग कैसे होते हैं, फिर लार्वा बनता है, कैसे जो उसकी लाइफ साइकिल चल रही है, एडल्ट कैसे बनता है, मतलब सब चीज़ें जो है किसमें आ रही है, इसके लाइफ साइकिल में आ रही है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांसमिट जो डिजीज कॉज कर रहा है या फिर वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ठीक है ना। देन इंटरेक्शन विद देयर होस्ट, होस्ट मीन्स जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, जिससे किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो उसको होस्ट कहते हैं। तो उसका इंटरेक्शन कैसा है उसके होस्ट के साथ, ठीक है। तो सब हम जो है पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन है नंबर सिक्स, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी डील विद द लाइफ जो इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है ना। फिजिकल एंड केमिकल इफेक्टिंग इट, मींस उन उस लाइफ के बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इसमें जो है स्टडी करते हैं जो कि फ्रेश वाटर में इनहिबिट करते हैं। फ्रेश वाटर मतलब मींस जो मीठा पानी, जैसे कि लेक है, पॉन्ड्स है, ठीक है ना, और ये इन सब में रिवर्स है, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, उनके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कैसे जो है इनके एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, सब चीज़ें जो है इसमें स्टडी होती हैं, ठीक है ना। देन ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स इंसानों की के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, जैसे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। मैन मतलब यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, रिगार्डिंग एवोल्यूशन, कैसे जो है इनकी एवोल्यूशन हुई, कैसे मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस के, कैसे जो है जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई, पहले एक बंदर था, फिर उससे जो है ऐसे एवोल्यूशन होते होते जो है ना इंसान बना, तो ये सब उसके बारे में स्टडी करते हैं। और एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी मीन्स उसका जो उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, ये सब इसमें एनाटॉमी में आ जाएगा, ठीक है। देन जो है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स उन ऑर्गन्स, उन स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करते हैं वो, तो उस सब के बारे में स्टडी करना, और उसकी हेल्थ, एक हेल्थ उनकी हेल्थ के बारे में कि हेल्दी क्या है, फिर उसके बाद जो डिजीज कॉल होती है, जो बीमार होता है तो अनहेल्दी पर्सन, तो उसके डिजीज कौन कौन डिजीज है, कैसे होती है, उनका ट्रीटमेंट सब कुछ जो है स्टडी करना। मीन्स जैसे कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो करते हैं ह्यूमन पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको पता था कि इस इंसान में की बॉडी में क्या चल रहा है, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन सही है, कौन कौन सी सब कुछ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, तो सब चीज़ें जो उसको पता होती थी, ह्यूमन बायोलॉजी में ही आता है। देन इनहेरिटेंस मीन्स कैसे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो इनहेरिटेंस उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना, ये ह्यूमन बायोलॉजी में ही आता है, ह्यूमन के बारे में, लेकिन हम इसमें सब में ह्यूमन मतलब मैन मींस ह्यूमन के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देन इज सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज, स्पेशली इन ह्यूमन बींग फोकस जो है सच एज इशू एज वेदर सर्टन बिहेवियर और इनहेरिटेड और जो है ना। अच्छा, क्या होता है ये आप इसमें क्या करते हैं, हम सोशल बायोलॉजी में क्या करते हैं स्टडी, हम एक स्टडी करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन पॉपुलेशन में, जो सोशल इंटरेक्शन है किसी स्पीशीज़ के दरमियान। पॉपुलेशन क्या होती है, जब बहुत सारे स्पीशीज़ जो है एक जगह पर रह रहे हैं, तो स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ हमने मैंने पहले भी कहा कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर होता है, मीन्स आपस में जो है बीट कर सके, उसको स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि इंसान है, हम इंसानों का एक ही, हम जितने भी इंसान हैं, चाहे हम पाकिस्तान के इंसानों की बात करें या चाहे हम लंदन के इंसानों की बात करें, सब सेम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ के इंसान के स्ट्रक्चर जो है अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर हो या ऊपर जो अपेरेंस है वो अलग है और वहाँ के जो है अलग है, सब सेम सेम है और सब जो है आपस में बीट भी कर सकते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन का उनमें आपस में रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो ये स्पीशीज हो गई। इसके अलावा जो है अगर हम और जो है ये सारे स्पीशीज जो है फिर एक साथ पॉपुलेशन मीन्स एक जगह में रहते हैं जब है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती है मीन्स, तो उनके जो है इंटरेक्शन आपस में क्या है, ठीक है ना। और क्या हम ह्यूमन स्पेशली ह्यूमन बींग की जो है ना सोशल इंटरेक्शन क्या है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या करते हैं, उसकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि बिहेवियर जो है, जो बिहेव करते हैं, ये इनहेरिटेड है या फिर क्या है, या फिर जो है उसने एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस की है अपनी बॉडी में। कैसे इनहेरिटेड मीन्स, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप
चिक की बात कर लें, चूजे की बात कर लें, अगर आप आगे आगे चलेंगे मतलब ऐसे हैं जो ऐसे उसकी मदर है वो चलती है तो वो चूजे के पीछे भी चलते रहते हैं। तो ये क्या है, ये किसी ने हमको सिखाया नहीं है, या अगर कोई इंसान भी चल रहा है तो उसके पीछे भी जो वो चलते हैं, तो ये किसी ने हमको सिखाया नहीं है, ये उनके जो है जीन से ट्रांसफ़र हुआ है, इनहेरिटेड हैबिटेट है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनहेरिटेड बिहेवियर है। लेकिन कुछ जो देख के माहौल को देख के एनवायरनमेंट को देख के जो कोई भी जानदार भी इसको अडॉप्ट करता है तो वो इंड्यूस करेंगे इसको कि वो उसने इंड्यूस किया है, बाद में हालात को देखते हुए उसने अपने अंदर वो बिहेवियर इंड्यूस किया है। जो इनहेरिटेड होते हैं वो क्या होता है, उनके जीन्स में आ रहा होता है, मीन्स उनसे जो है उन्होंने सीखा नहीं होता, कोई सिखाता नहीं उनको, उनके जीन्स में ही आ रहा होता है वो, ठीक है ना। तो और इंड्यूस होता है जो इन्वायरमेंट को देख के वो जो है सीखता है, अपने अंदर इंड्यूस करता है, वो इंड्यूस बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अलावा जो है हमारी नाइन्थ जो है नाइन्थ जो ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज़ बायो टेक्नोलॉजी, मीन्स ये बहुत ही जो है ये भी एडवांस रिसेंट जो है ब्रांच है, इंट्रोड्यूस की गई है बायोलॉजिकल साइंस में। इट डील विद द स्टडी ऑफ विद द यूज ऑफ द डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम कंसर्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर द ह्यूमन बीइंग। अच्छा ये क्या है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस जो है ब्रांच है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी चीज़ को, किसी ऐसे चीज़ को यूज़ करना बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन के लिए या फिर किसी और के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे कि यहाँ पे हो रही ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, जैसे कि अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन जो है तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही हुआ है, मीन्स किसी वायरस का जो है कोई पार्ट, वैक्सीनेशन में क्या करता है, किसी वायरस का जो है कोई भी बॉडी का पार्ट या कुछ उनसे जो है ले लिया जाता है, उससे वैक्सीनेशन बनाई जाती है, फिर वो वैक्सीन जो है ह्यूमन की बॉडी में इंड्यूस कर दी जाती है ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उस वैक्सीन जो एनिमीज है ये जो वायरस उसका पहचान ले और जो है दोबारा जब उसकी बॉडी में आए तो उसको एंटर होने ना दे। तो मीन्स ये टेक्नोलॉजी की वजह से वैक्सीनेशन बनी है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं एडवांस जो है, मतलब टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि आजकल ये भी चल रहा है कि प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट जो है आपने सुना होगा कि ये जो है नेचुरल प्लांट नहीं है, मीन्स उसको बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसा कर दिया होता है कि वो जो है उससे कुछ एटम्स में नहीं जो नहीं थे वो भी उसमें इंड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है क्लोनिंग वगैरह जो होती है, सब चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वगैरह ये भी इसी में आती है। तो ये बहुत ही एडवांस है, मीन्स में कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कोई ऐसी चीज़ बना देना, ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि हम यीस्ट की बात करते हैं, जैसे खमीर जो होता है तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है कि उसको जो है दही बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या, इसमें टेक्निक्स के बारे में, टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में हम इसको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो है नाइन ब्रांचेस थी, और इसके अलावा जो हमने फाइव किंगडम के बारे में डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह जो है हम इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।